जी की उम्र में कुछ फर्क नजर आ रहा है कि वही? नहीं, एकदम एकदम तरोताजा, एकदम यंग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लग रहा है कि ये गदर जो आई आ रही है और धीरे धीरे सॉन्ग और जितना इसका बेस बढ़ता जा रहा है, वो जैसे लग रहा है ना कि कोई ऐसी मूवी आ रही है कि वापस वही दिन आ रहा है जो गदर एक प्रेम कथा जब 2001 में आई थी, इतनी चली थी, उससे भी ज़्यादा इस टाइम चलने की आशा है। सकीना जी का जो एक किरदार है, उनकी वाइफ है अमीषा पटेल, टीजर में ऐसा डर लग रहा था हमें कहीं उनका खात्मा या ऐसा मल तो नहीं। देखिए पहली बात क्या में है, ये अच्छी बात है, गाने में जो है जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जिस हिसाब से गाना बताया जा रहा है, ये लग रहा है सपने में गाना है। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है जहाँ तक है वो सपने में है। और जब गाना ये ख़त्म हो जाता है तो आप ध्यान में रखिए कि ये जो है ये कब्र के पास बैठे रहते, तो आप ध्यान दीजिए कि ये वही होगा जहाँ तक ये है, क्योंकि वहाँ पे ये लगता है जाते हैं बैठते हैं तब ये गाना उन्हें फील होती है। और अनिल शर्मा ने बहुत सही तरीके से गाने को ये किया और ये किया, और ये लास्ट में दिखाने का मतलब है कि सबको ये समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग जो है फिल्मी लवर है, हम लोग समझ जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ अब ये जो है क्यों कब हुआ, और ये सकीना जो है क्या गोली से मरी है, क्या वहाँ पर कुछ ऐसी कांड हुई थी कि क्यों मरी है। जैसे हम लोग बोले बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसे ही यहाँ भी फील है कि सकीना क्या पहले ही मर चुकी है, क्या गोली लगने के बाद हॉस्पिटल जाती है, वहाँ बसती है कि नहीं बसती है, ये सब देखने के लिए 11 अगस्त को हमें थिएटर में मालूम पड़ेगा कि कब्र का राज क्या है, गाने का राज क्या है, और ये गदर 2 बनाने का राज क्या है, अनिल शर्मा का राज क्या है। अच्छा आखिर में एक सवाल पूछूंगा, हाँ, डायरेक्टर साहब ने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को अपने छुपा के रखा है, हाँ, उनकी उनका कुछ झलक नहीं दिखा रहे, लग रहा है। देखिए देखिए मैं एक बात देखिए सुनो, नहीं एक बात मैं देखूंगा, यही सब बात ये है, डायरेक्टर को ये सब चीज़ रखनी चाहिए। और रह गया अनिल शर्मा, वो है कि जो है कि मतलब है जिस तरह से वो डायरेक्शन किए रहेंगे ना, हो सकता है कि इनके लड़के जो है ये मूवी से उभर के आ जाएंगे। गाना आपने देखा, नए तरीके का गाना, नई तरह से शूट किया गया गाना, वो सीन कैसे लगे, गाना कैसा फील हुआ? देखो जैसे क्या है इसमें, जैसे लगा कि मैं जो है वापस 2001 में बैठ के देख रहा हूँ, लेकिन जब ये अलग तरीके से दिखाए तो बोले भाई ये तो भाई मानना पड़ेगा गाना वही है, और थोड़ा जोड़ करके अलग तरीके से बताया अनिल शर्मा, तो सोचने वाली बात है यार। वो समझ गए कि दूसरा गाना भरने से अच्छा है इसी को कुछ अलग तरीके से बताओ, पब्लिक को अच्छी लगेगी। और क्या लग रहा है, यकीन हो चल रहा है आपको और ज़्यादा की फिल्म दबा के चलने वाली है? देखो पहली बात क्या है कि पहला पार्ट रिलीज करने का कुछ रीज़न है कि पब्लिक को दिमाग में डालना कि कोई मूवी मैंने बनाई थी पब्लिक के दिमाग पर और दिलों पर राज की, जो कि अब जो है मैं गदर 2 बना रहा हूँ, ये भी राज करने के लिए कि अब क्या होगा। देखो एक डायलॉग जो है टीजर में वही बताया ना, पाकिस्तान का दामाद है, अब लग रहा है कि दहेज में लाहौर लेके जाएगा। अरे सोचो यार, यही डायलॉग जब रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं तो उसमें सोचो कितनी खतरनाक डायलॉग होंगे। गाने को क्या एडिटिंग करना चाहेंगे ऊर्जा खले का और नया वर्जन? देखो गाना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम बेहतरीन लग रहा है। और रहेगी ये गाना होना जो है, इसको रेटिंग क्या देना है, तभी भी चलिए मैं इस गाने को जो है पूरे के पूरे 4 स्टार। चलिए बहुत शुक्रिया।